गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू वर्कशीट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ट्रायंगल एबीसी. दिस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल. इन दिस ट्रायंगल वी हैव गिवन ए बी इक्वल टू एसी. टू साइड्स आर इक्वल. यू नो isosceles triangle is that triangle in which two sides are equal. So AB equal to AC is given. Again, this side BA is produced such that AD equal to AC. These two sides are also equal. This side and this side, and this side and this side, both are equal. This is given in the question. Clear? Now what we have to prove? Angle BCD equal to 90 degree. We have to prove this angle. This angle equal to 90 degree. BCD, this angle is 90 degree. Okay, so now we start with AB equal to AC, AD equal to AB. अब आप देखो बेटा, AC भी AB के इक्वल है और AD भी AB के इक्वल है. जब दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो तीनों चीजें इक्वल होंगी. फिर AB, AC और AD तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे. जब AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है. अब मान लो तीन बच्चे हैं हमारे पास, है ना, एक की एज दूसरे के इक्वल है, दूसरे की तीसरे के, जो तीनों की एज तो इक्वल होगी आपस में. ऐसे बेटे ये तीन चीजें हैं तो ये तीनों क्या होंगी, ए बी ए सी और ए डी क्या होंगी इक्वल. अब आप देखो बॉर्ड, देखो एंगल थ्री और एंगल फोर. एंगल थ्री और एंगल फोर कैसे क्या फॉर्म करें, लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है. एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्या होता है, 180 डिग्री. क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर. स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है. एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्या होगा, 180 डिग्री. इट फॉर्म्स लीनियर पेयर. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेटा जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं हमारे पास, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं. तो ये जो होता है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. मान लो ये एंगल है 70 डिग्री और ये है 50 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना होगा, 70 प्लस 50 120. इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है. 70 प्लस 50 कितना होगा, 120. आप इसको फिगर बना के भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है. तो हमने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है यहां पे, ये हमारा ट्रायंगल बन गया सपोज करो. तो ये जो एंगल फोर है, ये जो एंगल फोर है, ये इस ट्रायंगल का क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया. तो एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल फाइव प्लस एंगल टू के इक्वल होगा. एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल फाइव प्लस एंगल टू. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो एंगल फोर एंगल फाइव प्लस टू के इक्वल. इसी तरह जो एंगल थ्री है, जो एंगल थ्री है वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल थ्री इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया. तो एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एंगल सिक्स प्लस एंगल वन के इक्वल होगा. एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एंगल वन प्लस एंगल सिक्स. तो हमने क्या किया, यहां पर एंगल थ्री की वैल्यू को, एंगल थ्री की वैल्यू क्या, वन प्लस सिक्स. एंगल थ्री की जगह क्या लिखी हमने, एंगल वन प्लस सिक्स. इस तरह एंगल फोर की जगह क्या लिखी हमने, एंगल फोर के एंगल फाइव प्लस टू. एंगल फोर की जगह क्या लिखी, एंगल फाइव प्लस टू इक्वल टू 180. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है. जब आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. ये आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है कि वेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इट मींस एंगल वन इक्वल एंगल सिक्स, एंगल वन इक्वल एंगल सिक्स. इस तरह बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन, फाइव और टू. तो इनके ऑपोजिट एंगल फाइव और टू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तभी तो मैंने लिखा है एंगल फाइव इक्वल टू बिकॉज ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. इस तरह एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल वन बिकॉज ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. तो मैंने क्या किया, एंगल सिक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एंगल वन, बिकॉज एंगल सिक्स इक्वल एंगल वन के इक्वल है. और इस तरह एंगल फाइव किसके इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है. तो एंगल फाइव को रिप्लेस कर दिया एंगल टू से. अब एंगल वन प्लस एंगल वन कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल वन. कई बच्चे क्या करते हैं, वन प्लस वन टू कर देते हैं.
टू प्लस टू फोर कर देते, ये तो नाम रखे हुए डिजिट थोड़ी है कोई भी आप टू प्लस टू फोर कर दे बेटा, ये तो हमने नाम रख दिया इनके, एंगल टू नाम रखे हुए इनके, नेमिंग किया हमने। तो एंगल टू प्लस टू कितनी बार आया, ट्वाइस ऑफ एंगल टू, एंगल वन प्लस वन ट्वाइस ऑफ एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, टू कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन हो गया, एंगल वन प्लस एंगल टू टू बाहर आ गया इक्वल टू 180। अब टू यहां मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाओ, उधर जाकर कहां चले जाएगा अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो 290 जाओ 180, एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 2 किसका नाम है, एंगल 1 प्लस 2 इस पूरे कंप्लीट एंगल का नाम है, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, और ये पूरे एंगल का नाम क्या होगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी कितना है, 90 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, वी हैव गिवन ट्रायंगल ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल एंगल इज 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, हमें गिवन बेटा एंगल ए 90 डिग्री और ए बी ए सी क्या है बेटा इक्वल दिया हुआ, देन वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, क्लियर। अब बेटा इसमें देखो कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल होते हैं, एसोसिएटेड एंगल बन गया, ए बी इक्वल ए सी तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एंगल सी इक्वल एंगल बी, ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, और यहाँ रीजन क्या लिखे हम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब एक बात और देखो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे एएसपीडी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए कितना बेटा 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी क्या इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी, 90 को तो ले जाओ 180 माइनस 90, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी क्या हो गया 90 अपॉन टू कितना 45, देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल सी कितना हो गया 45, क्लियर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, और हमने ये प्रूव करना है कि इसका हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा अब एक बात हमें पता है बेटा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, वी नो दैट ऑल द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, सारे सारे एंगल इसके क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा अब हमें बात, तो हम इनको मान सकते हैं तीनों एंगल इक्वल, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो उनको एक्स सपोज कर लेते हैं, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए एस पी डी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल ए भी एक्स है एंगल बी भी एक्स है एंगल सी भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा 3x, 3x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 सी जाए 60 डिग्री, ठीक है। तो हर एक एंगल कितना गया 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हर एक एंगल जो ट्रायंगल का होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, और ये आपकी वर्कशीट भी ये एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो बस आपने ये ध्यान रखना बेटा इसमें कि जो ट्रायंगल होता है इक्विलेटर उसके तीनों साइड क्या होते हैं इक्वल, उनको एक्स मान दीजिए आप, कैलकुलेशन भी इजी बन जाएगी आपकी। बस एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना 180 डिग्री होता है, तो हम क्या तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स प्लस एक्स 3x इक्वल 180 डिग्री, एक्स इक्वल 60 डिग्री, तो हर एक एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज जो है 7.3 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।